नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बड़ी खबर नस्लागन से, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। तीन स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें लाखों की लकड़ी और फर्नीचर जब्त। मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र लाटकुई के द्वारा लाटकुई में अवैध सागौन लकड़ी फर्नीचर बनाने वाले तीन कारोबारियों के ठिकानों पर प्रभारी रेंजर प्रकाश उइके और ट्रेनी रेंजर नवनीत झा की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें लाखों की सागौन की सिल्ली सहित बना हुआ फर्नीचर को किया जब्त, जिसमें करीब 57 नग सागवान और कुछ चिरान के टुकड़े जब्त किए गए। ये कार्रवाई इसलिए भी खास मानी जा रही है, पिछले 5 सालों की बात की जाए तो ये लाटकुई में सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई है, क्योंकि क्षेत्र बुधनी विधानसभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होने से वन विभाग के बड़े अधिकारी तक ऐसे कार्रवाई करने से डरते रहे हैं। इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री श्री चौहान के हाल ही में दिए गए एक बयान, माफिया और गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा से जोड़कर देखा जा रहा है। कास्ट चाहना अधिनियम भारतीय वादी अधिनियम के तहत हमने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई पंजीबद्ध पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, इसमें क्या क्या जब्त में क्या क्या मिला है आपको जब्ती में? वनोपज है, कुछ चौपटे हैं, कुछ पल्ले हैं और कुछ गीली सिल्लियाँ हैं, चरपट है और छोटे मोटे औजार हैं, बिन्नी मसाला वाले। कितनी लागत होगी सर? अनुमानित हम 1,00,000 रुपये मान लें। और जो सर अभी तक मैंने देखा है कई सालों से यह कार्रवाई नहीं हुई, आपके आने पर ये कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई क्या आगे जारी रहेगी, क्या समझे इस कार्रवाई से? ये तो निरंतर चलती रहेगी, ऐसी कार्रवाई तो हम निरंतर करते रहेंगे।